नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस वक्त माफियाओं की कमर तोड़कर उनका सफाया करने में जुटी हुई है। मंगलवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी सुशील मोच की अवैध तरीके से अर्जित की गई तकरीबन 80 करोड़ की संपत्ति पर जिला प्रशासन द्वारा जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व भी मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने सुशील मोच के एक रिश्तेदार की तकरीबन 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। यानी कि अब तक अपराधी सुशील मोच की लगभग 90 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुलिस ने जब्त करने की कार्यवाही की है। जानकारी के मुताबिक कुख्यात अपराधी सुशील मोच मुजफ्फरनगर जनपद के मथेडी गांव का निवासी है, जिस पर तकरीबन 49 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इस समय वह जमानत पर बाहर चल रहा है। इस संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए मुजफ्फरनगर के SSP संजीव सुमन ने बताया कि प्रदेश सरकार से चिन्हित माफिया सुशील मोच की आज लगभग टोटल मिलाकर के 90 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार की जो भी मंशा है जिसमें माफिया की कमर तोड़नी है, वो प्रोसिक्यूशन चाहे हो, चाहे वो मुकदमे हो, चाहे वो उनके संपत्ति उन पर फाइनेंशियल चोट करने की बात हो, तो आज मुजफ्फरनगर पुलिस ने हमारे सीनियर्स की प्रेरणा से, हम लोगों ने एक लगभग पीछे 2-3 महीनों के अथक प्रयास के बाद एक लगभग 90 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर रहे हैं सुशील मोच की, जो उसने अपने रिश्तेदारों के नाम से साइफन ऑफ कर रखी थी। बहुत ज़्यादा इस पर काम किया गया है। इसमें टोटल मिला करके आज की डेट में लगभग 15 संपत्तियां उसकी कुर्क हो रही हैं, जिससे कई सारी ज़मीनें हैं अगर अलग अलग थाना क्षेत्र में। कुछ ज़मीनें बहुत महंगी हैं, कुछ ज़मीनें बाग के नाम पे हैं, कुछ ज़मीनें स्कूल के नाम पे हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे पेट्रोल पंप्स हैं। इन सभी पे एक वृहद कार्य करके इनको कुर्क करने का आज आदेश हुआ है। हम लोग 1 से 2 दिनों में उन सब संपत्तियों पे नगाड़ा बजवा करके उसकी कुर्की करेंगे। उसको पूरे क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। माफिया राज में समाप्त हो चुका है। किसी प्रकार के माफिया अगर संपत्ति इस तरह की गलत तरीकों से अर्जित करते हैं तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सुशील मोच सर फिलहाल जेल में है या बाहर है? सुशील मोच फिलहाल अभी जमानत पे है। उस पर जितने भी आपराधिक मुकदमे हैं उन सब की हम प्रभावी पैरवी कर रहे हैं। जितने भी मुकदमे हैं उस पर हम लोग अपने अभियोजन के माध्यम से, जजेस के सहयोग से माध्यम से, अपने प्रोसिक्यूशन के माध्यम से हम लोगों ने अपना पूरा दबाव बनाया हुआ है। जल्द ही उसमें भी हम लोग कोई ना कोई सफलता आएंगे। अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की उसमें कोई राजनीतिक लिंक सामने आया? राजनीतिक लिंक किसी प्रकार का डायरेक्ट कोई राजनीतिक राजनेता के नाम से लिंक नहीं है। ये इनका पारिवारिक लिंक है। जो भी लिंक्स हैं इनके, ये इन्होंने परिवार के माध्यम से साइफन ऑफ किए हैं। परिवार के ही विभिन्न विभिन्न लोग हैं, उनके नाम पे फर्जी पैन कार्ड्स बने हुए हैं। फर्जी पैन कार्ड के माध्यम से अलग अलग एक एक व्यक्ति के 2-2, 3-3 पैन कार्ड्स बने हुए हैं। उन पैन कार्ड के माध्यम से इस मनी को साइफन ऑफ किया गया है। सारी संपत्तियाँ शो करने के लिए, चूँकि लैंड कैप है, एक व्यक्ति एक सीमा से ऊपर सीरिंग एक्ट के तहत ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता है, उस ज़मीन को साइफन ऑफ करने के लिए उन्होंने एक ही व्यक्ति के मल्टीपल पैन कार्ड्स बनाए, पैन कार्ड के माध्यम से अलग अलग संपत्तियां खरीदी। उन सब के लिए एक मुकदमा 2020 में भी दर्ज हुआ था फर्जी पैन कार्ड का, लेकिन उससे लिंक्ड संपत्तियां आज हम लोग ढूंढ पाए। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।